गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई बबिता परमार वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल फिजिक्स की आवाज़, प्रोवाइडिंग यू फिजिक्स इजी नोट्स। बच्चे, हम लोग चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर 10 पर पहुंच चुके हैं। इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कि उसकी एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप पर कितना होगा, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। पर उससे पहले जस्ट अ क्विक रिविजन ऑफ बायो T is silent, S Savart's law. Biot Savart's law के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी एक छोटे एलिमेंट के कारण, दैट इज ऑलवेज गिवन एज म्यू जीरो अपॉन 4 pi IdL sin theta upon r square. Theta जो होता है ये r vector and dl vector जो है आपका इनके बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स। डीएल जो है एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, जो करंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डीएल वैक्टर की डायरेक्शन ली जाती है। इसी को अगर वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको डी बी वैक्टर को कैसे लिखेंगे, इट इज म्यू जीरो अपॉन 4 pi आई डी एल क्रॉस आर वैक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज वॉट वी टेक वेक्टर फॉर्म में, हम इसको ऐसे लेते हैं, इसको चाहे ब्रेक करो तो सेम यही वाली चीज़ जो आपकी आ जाती है। रूल का तरीका आपको बताया था, हमेशा थंब को करंट की डायरेक्शन में लगाइए और जहां आपका ये राइट हैंड है, अपना राइट हैंड लेना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में डालना है और द कर्ल्स ऑफ द फिंगर इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। अब इसमें हमने स्ट्रेट कंडक्टर के कारण भी निकाल लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइनाइट लेंथ का है कोई, उसके पास यहाँ ये अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज, अगर इसमें आई करंट आ रहा है तो दैट वॉज म्यू जीरो अपॉन 4 pi आई अपॉन दिस डिस्टेंस एक्स इंटू साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 लेते थे। 5 1 5 2 होता है इन दोनों एक्सट्रीम्स के साथ वो कितना एंगल बना रहा है। दिस इज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से ये इधर कितना डिस्टेंस है, दिस इज एंगल है 5 1 एंगल ऊपर की तरफ को और नीचे की तरफ को जो एंगल होता है 5 2, यानी ऊपर की तरफ यानी ऊपर वाले एंड को जो टच करता है और नीचे की तरफ का मतलब कि नीचे वाले एंड को जो टच करता है, दिस इज वॉट वी हैव। अगर इसमें ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाती है तो हम कहते हैं जैसे जैसे हम इससे दूर ये इस तार में जितना ऊंचा जाते जाएंगे 5 1 की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती 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 जाएगी। अगर इनफाइनाइट लेंथ लिया तो ये जो 5 1 है और जो 5 2 है ये कितना हो जाएगा बच्चे, 90 डिग्री, और हमारा फॉर्मूला आ जाता है बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 pi 2 i अपॉन एक्स डिस्टेंस टू इस, ये 1 + 1 आ जाएगा 90 का 1 1। सो दिस फॉर्मूला भी है, एक ये क्या था जब ये इनफाइनाइट लेंथ की है और सेमी इनफाइनाइट लेंथ भी हमने की थी, तो सेमी इनफाइनाइट लेंथ में क्या हो जाएगा, उसमें हमने कहा था कि एक एंड हमारा फिक्स्ड है, दूसरा एंड इन्फिनिटी पे है, तो ये वाला इन्फिनिटी वाला लेंथ यानी ऊपर यहाँ पर पॉइंट ले लिया था जो कि इसके परपेंडिकुलर पे डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे अगर है, तो ये जो एंगल है 5 1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री थी और 5 2 वॉज इक्वल टू 0, और वहाँ से जो फॉर्मूला आया था दैट वॉज म्यू 0.24 pi 2 i की जगह सिर्फ i अपॉन x हो जाना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं मैग्नेटिक, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप निकालेंगे, ठीक है, बायोट सॉफ्ट लॉ के हिसाब से। उसके बाद एक्सेस वाला मेन क्वेश्चन लेंगे। सो अब सपोज कर लो कि आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है, दिस इज अ सर्कुलर लूप और ओ इसका सेंटर है, आर इसका रेडियस है, तो ये जो यहीं पे आप इसमें आपका जो है करंट, मान लीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट ले रहे हैं, आई इज द करंट, आई आपका करंट इन अ सर्कुलर लूप कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉक भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, उस हिसाब से आप फील्ड की डायरेक्शन लेंगे। आर जो है रेडियस ऑफ
करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। सो इस पे आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, दिस इज डीएल एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, इस तरह से इधर को जा रही द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। डीएल इज लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लूप, देन ओ जो है आपका सेंटर ऑफ लूप वेयर वी आर सपोज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ बच्चे, बायो सावर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन अपॉन आर स्क्वायर। साइन किसका है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर, सो आर वैक्टर इज दिस ओनली डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, आर वैक्टर इज डिस्टेंस ऑफ डी एल वैक्टर फ्रॉम पॉइंट ओ, हियर आर वैक्टर इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के बराबर ही है, दिस इज वॉट वी है। सो डी बी की जो वैल्यू, बी की वैल्यू आपको अगर निकालनी है, सो बी विल बी इक्वल टू, कैसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है लूप, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स, देयरफॉर नेट फील्ड एट ओ is given as, कैसे लिखेंगे बच्चे, this will be equal to your b will be equal to integral of d b about the complete length will take, this is equal to integral of it is equal to how much d closed loop case, इसमें the db की value है mu 0 upon 4 pi I डी एल साइन 90 डिग्री, ये जो कोई भी पॉइंट है, डी एल इतना छोटा है कि इट्स लाइक एज अ पॉइंट टेंजेंशियली इसके साथ है, तो ये रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाता है, अपॉन आर स्क्वेयर, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो बाहर हो जाएगा, फोर पाई बाहर हो जाएगा, करंट आई इज देयर, अपॉन आर को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वेयर, इंटीग्रल of this dl because r is equal to capital R, so this is equal to what, iska circumference ho jayega is iska, to mu 0 upon 4 pi I upon r square into 2 pi r, yahan se ek r aur ek r kat jayega, aapka formula jo aayega that is mu 0 upon 4 pi 2 pi I upon R, this is the magnetic field at point O, at the center O आपका magnetic field की value ये आएगी। रही बात इसकी direction की, अगर आप देखो ये आपके current, आपका right hand खोलिए, right hand के साथ आपने क्या करना है बच्चे, आपके direction of current में thumb होना चाहिए, ऐसे जा रहा है तो मेरी उंगलियाँ कैसे आ रही हैं, है ना, इस तरह से आ रही है। अगर आप इसको देखें, मैं मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्लिप बोर्ड को हिला नहीं सकती हूँ, एक सेकेंड, ये देखो अब मेरा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आ रहा है, जस्ट वेट, सेंटर में लेती हूँ थोड़ा सा, ये देखो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मेरा अंगूठा आ रहा है,
मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है दिखाने में, ये देखिए है ना, आ गया मेरा अंगूठा और करंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो मेरी उंगलियां कैसी टर्न हो रही है, दिस इज इट्स गोइंग लाइक दिस है ना इनवर्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इनवर्ड, तो यानी या आपका अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, इफ आई कैसा है क्लॉकवाइज, देन बी इज, बी की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल बी, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख देंगे, डाउनवर्ड है ना, एंड अगर ये एंटी क्लॉक वाइज होती, एंटी क्लॉक ठीक है, यानी कि करंट ऐसे जा रहा होता, तो अब आप देखो मेरी उंगली, अंगूठा इस तरफ हो गया एंटी क्लॉक वाइज, मेरा ये हाथ अंदर गया, इधर अंदर गया, लेकिन ओ पॉइंट कहाँ है, इधर है, तो जब मेरा आएगा तो मेरा ओ से कैसे मेरी उंगलियाँ बाहर को निकल रही, तो देन क्लॉक वाइज है, अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो इट विल बी अपवर्ड, ये अपवर्ड हो जाएगा, क्लियर है, अगर ये क्लॉक वाइज है तो ये डाउनवर्ड, ये याद रखना है ठीक है। इस वाले में तो फिर सिंपल है, आगे नेक्स्ट डेरिवेशन में हमें, मैं दोनों डायग्राम्स आपको बताऊंगी कैसे करना है ठीक है, राइट हैंड पाम रूल के साथ। अब आता है हमारा मेन, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, अब सर्कुलर लूप है वो करंट कैरी कर रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक चूड़ी थी कहाँ चली गई, बैंगल वॉज देयर, कोई बात नहीं, नाउ करंट कैरिंग लूप है, सो दिस इज सपोज दिस इज अ लूप, आप चूड़ी के शेप में मान लीजिए ना, ये है और ये इसकी एक्सिस हो गई ठीक है, ऐसी ये है लूप, इसमें करंट है, इसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है, इस वक्त पिछली बारी में मैंने इसका क्लॉक वाइज ले लिया था, इसमें मैं भी एंटी क्लॉक वाइज ले लेती हूँ ठीक है, लाइक दिस, तो ये पॉइंट है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दिस इज एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, ओ ओ इसका सेंटर है, इसका जो रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस ले लेते हैं, ये पॉइंट पी है जहाँ हम निकालना चाहते हैं, और ये जो है एक्स डिस्टेंस पे है ठीक है, पी इज़ अ पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए डी एल लेंथ का ठीक है, तो अब ये जैसे इसकी डायरेक्शन यहाँ ये ऐसे जा रहा है, इट्स डायरेक्टेड समथिंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे इसके ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट लोगे, ये भी डी एल वैक्टर है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, इसकी डायरेक्शन इसमें क्या जाएगा डी एल वैक्टर ऐसे आ जाएगा, चलिए ये जो भी वैक्टर है इस एलिमेंट वैक्टर को हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया ठीक है, अब यहाँ हमने देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, दिस इज से आर डिस्टेंस पे है, अब ये आपका गोला है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, मेरी उंगली दिख रही है ना, आप गोला सा ड्रॉ किया हुआ है, अब इसके ऊपर आपने ये रख दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है, ये एक एक्सिस है जो कि इसके बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, ये एक्सिस है ठीक है, इट्स इन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल के सेंटर से ये एक्सिस हो गया, इसके ऊपर मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है ठीक है, अगर ये पॉइंट पी यहाँ पर है, आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि ये जो छोटा सा एलिमेंट पॉइंट है वो इस ये क्या टेंजेंट है, उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ठीक है, सो व्हाट विल डू इज लेट अस कंसिडर, करंट आई फ्लोइंग थ्रू
a loop in anti-clockwise direction. कैसी direction में जा रहा है? Anti-clockwise direction में जा रहा है. Such that R जो है radius of loop है, circular loop. Then O आपका center of circular loop. Then OX axis passing through point O, center O के through जो cross हो रही है, this P जो है point on the axis of circular loop. Where we are supposed to find the magnetic field. यहाँ हमने magnetic field निकालनी है. X distance of point P from O. Clear हो गया सारी चीज़ें? ये सारी आपके पास इधर हैं. Now what we'll do is हम इसमें एक ये एक्स वाई नहीं लेके हम ए बी ले लेते हैं, ठीक है? और कहीं ए बी लिखा नहीं ना. ए बी जो है हम ये ले लेते हैं. ए बी इज़ अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट ले लो, स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल. ये कहाँ होता है? डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन में जो है ये आप शो करते हैं. इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो नाउ व्हाट इज विल डू इज द स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया. अब यूज करेंगे यूजिंग बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए बी. इस ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विल बी डी बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन एंगल फाइव अपॉन आर स्क्वेयर. वेयर फाइव इज व्हाट? एंगल बिटवीन डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर. दिस इज आर वैक्टर. यहाँ पे एक्स तो आपने ले लिया था. आप इसमें ही ए बी स्मॉल एलिमेंट है. आर दिस इज distance of dl vector from point P. Point P से ये distance dl vector है. इनके बीच का angle which is 90 degree है. 90 degree होगा. So this dB will be equal to mu zero upon 4 pi I dl upon r square. साइन फाइव इज साइन 90 degree इज 1. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ये आपकी आगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? नाउ डायरेक्शन ऑफ डी बी वैक्टर जो होगा विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन formed by dl vector and
आर वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो डी एल से आर की तरफ उंगलियां अगर आप मोड़ते हैं तो इस तरह से आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस द मैग्नेटिक फील्ड गो लाइक दिस, और ये दिस विल बी डी बी, और ये कितना एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री पर ही जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये इधर हम ऐसे लेते हैं, दिस इज से वाई एक्सिस ले लेते हैं, दिस ये जो आ रहा है दिस इज कमिंग परपेंडिकुलर टू दिस, सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस फैक्टर, है ना। सो यू कैन सी अगर ये हम इस पॉइंट को एल ले लेते हैं, सो दिस विल बी डी बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर पे फॉर्म बाई डी एल वैक्टर दैट इज अलॉन्ग डी एल परपेंडिकुलर टू, अगर ये सेंटर पॉइंट सी ले लेते हैं हम यहाँ से ना, परपेंडिकुलर टू पी सी, ए भी इतना छोटा है कि हम एक पॉइंट वहाँ से ले सकते थे सी पी सी, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो वैक्टर है, अब इसमें देखना बच्चे एग्जाम में आप ध्यान दो, या तो आपको वो स्पेसिफाई करेंगे करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर उन्होंने नहीं दिया तो आपको ध्यान रखना है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फील्ड इधर को जा रहा है, अगर क्लॉकवाइज लेंगे डायरेक्शन ये डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, तो बी वेरी पर्टिकुलर। हमने मैं आपको बाद में लास्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी डायरेक्ट वो बताऊंगी, डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम कैसे ले रहे हैं इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायग्राम आ रहा है लाइक दिस, यहाँ से इस तरह से, ये आपको मैंने बताया था ये हमारा ये रिंग था, ये रिंग को मैंने ऐसे रख दिया, मेरे पास बैंगल यहाँ से मिसप्लेस हो गई है, मैंने रखी थी मैंने हटा दिया से, और ये इधर से मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया था, बीच में मैंने कहा था ये एक्सेस है और इसके ऊपर आपको बोला था कि इधर से ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो फील होगा, अब ये जो फील इधर पर आ रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस, ये करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर आएगा, राइट। तो दैट इज़ it will go something like this, ऐसे जाएगा। तो ये स्केल के भी परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर है, राइट हैंड पाम रूट आप यहाँ लिख सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से आपने इसको किया है, ठीक है। सो दिस डी बी कैन बी रिजॉल्व इन टू टू कंपोनेंट्स, DB can be resolved into two components. इसको हम दो components में resolve कर सकते हैं। जो पहला है that is ये, अच्छा अभी ये रही बात angle की, अगर मान लीजिए this angle is theta, इस angle को अगर हम theta लेते हैं तो अब ये angle कितना बनेगा वो देखिए, ये theta plus ये बचा हुआ हिस्सा ये x हो गया, है ना, थीटा प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, तो दिस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 90 एंड x प्लस y, x प्लस y कितना है 90 डिग्री, ये कैसे आया x प्लस y 90 डिग्री, राइट हैंड पाम रूल, ये बी की जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है इसके, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सो थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स से एक्स कट गया तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका थीटा, यानी ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो अब इसको हम दो इसमें रिजॉल्व कर लेंगे, तो थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है तो ये एक्ट करेगा बेस और ये एक्ट करेगा परपेंडिकुलर, सो आप इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, वन इज फर्स्ट आप लिखोगे डी बी कॉस थीटा, तो डी बी कॉस थीटा, ये थीटा एंगल किसके ऊपर है इसके, सो किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दिस इज डी बी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कॉइल, ठीक है। और दूसरा जो होगा दैट विल बी डी बी साइन थीटा, ये चीज क्या हो जाएगी, इट विल बी अलोंग द एक्सिस
along the axis of coil and away from center of coil. Coil या loop जो भी बोलना है ना, coil बोलो चाहे loop बोलो. ये इसका एक component इधर हो जाएगा, इस तरफ component क्या आएगा, dB sin theta. और थीटा एंगल क्योंकि इसके ऊपर बना रहा है, इस तरफ क्या है हमारा, डी बी कॉस थीटा. तो ये दो कंपोनेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, एक इस डायरेक्शन में. तो ये जो कॉइल है ये कैसी कॉइल है, सिमेट्रिक है अबाउट द एक्सिस. सो एज द कॉइल इज or loop is symmetric about its axis. ये अपने axis के about symmetric है. So every current element of length DL has another equal and opposite element on the loop. ये आपका है, जैसे ये है ए बी था, तो यहाँ पर आपके पास ए डैश बी डैश हो गया. इसकी भी लेंथ डी एल है, ये इसमें इधर को है एलिमेंट, ये इसका इधर को है, तो ऑपोजिट हो गया. तो इसके भी कम यहाँ पर जब आप इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस आर. जैसे मान लो कोन है आपकी, है ना, नीचे वाला गोला और ऊपर से कोन बन गई, तो ये डिस्टेंस जो है स्लांट हाइट तो सेम वही आर रहनी है. ये यहाँ पे भी आर डिस्टेंस पे आएगी, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. अगेन यहाँ पर जब एल से आर की तरफ, जैसे यहाँ था एल से आर की तरफ ऐसे किया था हाथ, दिस वॉज डी बी. अब इधर वाले में हियर यू हैव एल से आर, दिस इज दिस विल बी द डायरेक्शन, ये इसके परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बी, ये परपेंडिकुलर है. सो ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. हम दोबारा से नहीं करेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर दिया, जैसे ऊपर को था वैसे ही ये नीचे की तरफ भी है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. इसको भी रिजॉल्व करोगे तो इसके रिजॉल्व करोगे तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस तरफ ये इसके साथ बेस बना रहा है, तो यहाँ इस तरफ को आ जाएगा डी बी कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा डी बी साइन थीटा, क्योंकि सेम लेंथ है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है. तो आप देखो कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में कैंसिल कर देंगे, द वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कंट्रीब्यूट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड. सो हम क्या लिख रहे थे इसमें, दैट ये है, तो एवरी इक्वल एंड ऑपोजिट है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट ऑन द लूप, देयरफॉर perpendicular components are equal in magnitude and opposite in direction, so cancel each other, but the horizontal components जो है वो क्या हो जाएंगे, the horizontal components that way. Horizontal components सबके same direction है, but the horizontal components are in same direction. Therefore, they contribute
इन नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. सो एज लूप इज मेड अप ऑफ सच मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ pairs of small pair diametrically opposite pair large number of diametrically opposite pairs of small elements hence net field at P will be what the net field will be equal to integral of db sin theta ye wala component lenge hum cos theta wala jo aapas mein cancel ho jayega and equation 1 mein hum value nikal chuke the ki iski value itni hai theek hai ye sare components cancel ho jayenge keval ye contribute karenge agar aapko dhyan ho electric field jab padhte the to cos theta wo bhi horizontal pe cos aata tha is wale mein sin aa raha hai. So this is what we have. So it will be equal to what next step में डी बी की वैल्यू अब इक्वेशन वन से अगर डालते हैं तो इट इज़ म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा आपका साइन थीटा. ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन वन से डाला, ठीक है. और इंटीग्रेशन का निशान तो है ही. अब इसमें जो कॉन्स्टेंट चीज़ें वो बाहर निकाल लीजिए. आपका म्यू ज़ीरो कांस्टेंट है, फोर पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, देन योर साइन थीटा ये एंगल भी कांस्टेंट है, बाई आर स्क्वायर बचा क्या? इट्स ओनली योर डी एल. तो इसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिलकर क्या बनेगा? द कंप्लीट सर्कमफेरेंस. सो दिस इज म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये जो है दिस इज वॉट सर्कमफेरेंस ऑफ लूप. सो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर इन टू दिस इज वॉट योर सर्कम्फरेंस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस आर था सो इट विल बी इक्वल टू टू पाई आर. अब साइन थीटा क्या है? म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई आई बाई आर स्क्वेयर इन टू टू पाई आर इंटू साइन थीटा इज. अगर आप ये ट्राइंगल देखें, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो आर अपॉन स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू आर अपॉन स्मॉल आर विच इज इक्वल टू आर अपॉन. ये हो जाएगा आपका, अगर इस डाइग्राम को ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव. तो दिस इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये इसकी वैल्यू भी डाल दीजिए यहाँ पे, म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई आर स्क्वायर है ऊपर, नीचे क्या है? ये भी आपका आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर है और ये आपका आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इस टू द पर हाफ है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पर थ्री बाई टू. दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस. ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में जब यूज़ होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तभी आप ये कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज़ व्हाट. अब हम डिफरेंट स्पेस कुछ स्पेशल केसेस लेंगे कि अगर मान लीजिए पॉइंट पी जो है बहुत दूर है, ये जो आपका पॉइंट पी है, दिस पॉइंट पी इज़ फार अवे, इतना दूर है कि ये आर रेडियस से ये बहुत बड़ी वैल्यू है एक्स की, ठीक है. तो केस लेते हैं, स्पेशल केसेस डिस्कस करने भी हमने, बहुत सारे फॉर्मूलाज में बताने वाली हूँ, ये सब याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हमारे यही सब यूज़ होंगे, ठीक है. नाउ केस वन,
केस वन, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव. इफ पॉइंट पी इज फार अवे फ्रॉम द लूप सच दैट x is very very much greater than the radius of the loop, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ये जो r square plus x square है, ये वाली जो टर्म आ रही है नीचे डिनोमिनेटर रेज टू द पावर 3/2, इसमें ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है. तो ये बहुत बड़ा है तो जो छोटा वाला है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू योर x square raised to the power 3/2 neglecting, छोटा वाला कौन है, neglecting r, बहुत छोटे में उसको ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं है, दैट इज इक्वल टू व्हाट x cube हो जाता है. therefore b की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, म्यू जीरो अपॉन 4π एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 2π टू पाई आई आर स्क्वायर था नीचे जो है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव. केस टू लेते हैं कि इफ कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है. इफ coil has n number of turns, then magnetic field कितना हो जाएगा, will be equal to जो आपकी magnetic field b dash मान लेते, it will be n times b जो पहले आई थी. so this will be equal to what, mu zero upon 4π, आपका कितना आया था 2πI आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 था, ये इनटू एन हो जाएगा. इज इट क्लियर, दिस इज केस टू. देन लेट्स सी केस थ्री लेते हैं. एट द सेंटर करना है मैग्नेटिक फील्ड, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप. अगर सेंटर पे चले जाते हैं आप डायग्राम देखें, अगर ये पॉइंट पी यहाँ नहीं होकर यहाँ होता तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी थी, जीरो. सो इफ पी इज एट ओ, एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4π 2π आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस जीरो का स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2. सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4π 2π आई आर स्क्वेयर अपॉन दिस इज आर स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2, टू से टू कट जाएगा. दिस इज म्यू जीरो अपॉन 4π 2π आई आर स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, यहाँ से ये स्क्वायर कट जाएगा. आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है 2πI अपॉन आर. यहाँ से और सब केसेस निकलेंगे, इस केस के सब केसेस में बताते हैं. देखो ये सर्कल है तो उसके सेंटर में एंगल कितना बनता है 360, जो क्लोज लूप है ना, तो ये चीज़ आएगी. इसके सब केसेस ले लेते हैं. ये दिस इज़ फॉर द कम्प्लीट, एट द सेंटर ऑफ लूप है, ठीक है. अगर आपके पास सेमी सर्कल हुआ, ठीक है, दिस इज फॉर या आप ये लिख लो फॉर लूप थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 2π, देयरफॉर B इज इक्वल टू कितना आया आपका म्यू जीरो अपॉन 4π 2πI अपॉन आर, ठीक है.
फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर लूप, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई, सो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, ये टू पाई की जगह क्या जाएगा, पाई आई अपॉन आर. तो इन जनरल आप याद रखेंगे फॉर एंगल थीटा, कोई भी लूप जो है कर्व सरफेस है, फॉर एंगल थीटा मेड बाय कर्व्ड सरफेस, कोई भी कर्व्ड सरफेस है उसका एंगल थीटा अगर वो बना रहा है, तो बी की वैल्यू के लिए आप फॉर्मूला याद रखना है म्यू जीरो अपॉन फोर पाई थीटा आई अपॉन आर, थीटा आई अपॉन आर, दिस इज व्हाट यू हैव. और भी इसमें कुछ फॉर्मूलाज मैं बताने वाली हूँ, यहाँ साइड में कर देती हूँ, नया फ्रेश पेज नहीं यूज़ करूँगी, विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स देन, ठीक है, यहाँ कर देती हूँ. तो ये सब फॉर्मूलाज जो है आपको याद रखने हैं, दिस इज़ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसमें ए ये आ गया, जनरल फॉर्मूला ये आ गया. अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू कोसेंट्रिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं, सी लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर ले लेते हैं, तो ये आपकी हो गई, ये बड़ी वाली होगी कॉइल कोसेंट्रिक है, ये छोटी वाली होगी, ठीक है, इसका रेडियस आर वन है, इसका रेडियस आर टू है, दोनों में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ओ पे, ये ओ इज़ द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर आप डायरेक्शन देखें, ये मेरे अंगूठे की तरफ करंट जा रहा है, ओ से मेरी उंगलियां बाहर निकल रही हैं, आउटवर्ड आएगा, दूसरे वाले में भी देखेंगे तो आउटवर्ड आएगा. सो बी वन जो है दैट विल बी, बी वन की वैल्यू चलो पहले दिस इज आप फर्स्ट ले लेते हैं, ये अंदर वाला आर वन है इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है. सो बी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी वन विल बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई, आपको मालूम है सर्कुलर लूप के लिए टू पाई आई अपॉन आर वन, और कैसा होगा ये आउटवर्ड, है ना. बी टू कितना हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन आर टू, ये भी कैसा होगा आउटवर्ड, ठीक है. सो इसका मतलब बी विल बी इक्वल टू बी वन प्लस बी टू विच विल बी इक्वल टू वॉट, इसमें म्यू जीरो दोनों के पास है, फोर पाई दोनों के पास है, टू पाई दोन आई भी दोनों के पास है, बचा क्या वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ऐसे कर देना सिर्फ, ठीक है. अगर इसी में एक और फॉर्मूला है कि करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आपका जो बी वन का डायरेक्शन है वो अलग है, बी टू का डायरेक्शन जो है वो अलग है. सो सपोज वही सेम सर्कल मैं ड्रॉ करती हूँ, यही ये बड़ा वाला गोला बना दिया, वो छोटा वाला बना दिया, इस वाले की डायरेक्शन ये हो गई, इस वाले की उल्टी कर दी, ठीक है. ये आर वन है और बड़ा वाला आर टू है, तो अब इसमें जो हो जाएगा बी वन जो होगा, जैसे ये है B1 वैल्यू में तो आउटवर्ड ही होगा, B2 में देखो मेरा अंगूठी ऐसे चलेगा, द करंट इज गोइंग लाइक दिस, राइट हैंड में इफ यू सी द करंट इज गोइंग लाइक दिस, पहले वाले केस में हमने क्या लिया राइट, सॉरी दिस वाज द ओहो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज गोइंग इन सेम डायरेक्शन, चलिए ये से आई करंट इधर को जा रहा था, द करंट वॉज गोइंग लाइक दिस, इधर लिया मैंने, तो मेरी उंगलियाँ कैसे अंदर जा रही हैं, तो आप इस वाले केस में कहेंगे परपेंडिकुलर था पर डायरेक्टेड इनवर्ड है ना, ये भी इनवर्ड है, ये भी इनवर्ड है,
ना सेम डायरेक्शन, इसलिए ऐड हो गया। इस वाले में क्या हो रहा है, ये बी वन, बी वन इज इनवर्ड, राइट हैंड पाम रूल से निकाल रहे हैं हमें इनवर्ड, कुछ भी ले सकते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक, तो आपको देखना है। बी टू जो होगा, बी टू में अब ये ऐसे जा रहा है करंट, तो मेरी उंगलियाँ ऐसे आ रही है, अब मेरी उंगली आउटवर्ड आएगी, बी टू इज कमिंग आउट इज आउटवर्ड, ठीक है। तो अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा दैट विल बी ऊपर की तरफ, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो यू कैन राइट हियर एज बी विल बी इक्वल टू व्हाट, बी टू माइनस बी वन हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू योर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, ठीक है। सो दिस इज द वे वी विल डू। तो अब ये फाइनली जो नेट रिजल्ट आर टू माइनस आर वन, दिस इज व्हाट वी हैव, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक, द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसमें द नेट डायरेक्ट, यहाँ पर जो थी नेट फील्ड वॉज, ये नेट जो फील्ड था वो कहाँ को था, इनवर्ड था, है ना, दोनों नीचे को जा रहे हैं, ये एक नीचे को जा रहा है, एक ऊपर को जा रहा है, फिर किसका रेडियस आपका बड़ा है, देखिए आर टू बड़ा है, तो आर टू की वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये कहाँ को, इनवर्ड को है, तो ये नेट फील्ड इस वाले के इसमें कहाँ जा रहा है, नेट फील्ड इनवर्ड आ रहा है। अब देखो ये इसमें ये यार रट्टा नहीं मारना है, अब मान लो कि ये डायरेक्शन पहले ही एंटी क्लॉक वाइज ले ली होती तो सारी चीज़ें उल्टी हो जानी थी, ठीक है, अगर मैंने पहले यहाँ पे तो मैंने ये क्लॉक वाइज ली है तो ये इनवर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर मेरा जो फील्ड आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ जो नेट फील्ड मेरा आ रहा है ये आउटवर्ड जा रहा है ना, करंट इज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, आउटवर्ड जा रहा है। अगर यही चीज़ मैंने इनवर्ड कर दी होती एग्जाम में, अगर ये गलत आप इस करंट को क्लॉकवाइज ले लेते तो आपका डायग्राम ऐसा नहीं बनने वाला है, तब आपका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये आपका एलिमेंट हो गया, ये दिस इज, ये आपका ए बी था, यहाँ से आपने ये ड्रॉ किया तो इसका फील्ड इधर को आएगा, ठीक है। इसमें जो डायरेक्शन है आपकी, दिस इज योर डी एल वैक्टर एंड दिस इज योर आर वैक्टर, इस आर वैक्टर के परपेंडिकुलर है आपका ये डी, रेड वाले को मैंने रेड से किया हुआ है, ठीक है। फिर ये ग्रीन वाले को ज्वाइन करें तो ग्रीन वाले का ये आ रहा है, और ये देखो ये भी इस एक्सिस के इस तरफ हो गया बिकॉज इसके परपेंडिकुलर है, ये लो परपेंडिकुलर है, और इस वाले केस में अगर आप देखोगे ये थीटा थीटा एंगल है, तो यहाँ देखो तो आप ये डी बी किसके परपेंडिकुलर है, इस रेड वाली लाइन के, यानी थीटा प्लस एक्स, सो दैट इज टू थीटा प्लस एक्स इज 90, और दूसरा वाला अगर आप देखो तो थीटा प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये एक्स एक्सेस है ये वाई एक्सेस है, तो ये भी 90 डिग्री आ रहा है, इनको इक्वेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू वाई, ये एंगल आपका थीटा बन जाता है। दोनों डायग्राम्स को बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने करंट लिया हुआ है एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ मैंने करंट लिया हुआ है क्लॉक वाइज, इसमें जो रिजल्टेंट है दैट इज गोइंग इनवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले में द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग आउटवर्ड, तो ये करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपने, अगर आप एग्जाम में जब ड्रॉ करोगे कि पूरी डेरिवेशन जो मैंने की हुई है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन देखो ये चीज़ में ही फर्क आ गया, यहाँ देखो यहाँ क्या था थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो बेटर है आप ये याद रख लेना कि आपने क्या लेना है, लूप में जो करंट लोगे जब ये राइट हैंड थंब, ये जो आप अगर इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ले रहे हो तब ये इधर को आ रहा है R से L की तरफ को, वेन इट इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन इस तरह से आ रहा है R से L से R की तरफ आपकी उंगलियां मुड़ेंगी तो मेरा जो ये है थम है राइट हैंड का वो कहाँ को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी बी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो थम इधर को गया, यहाँ पे नीचे को जा रहा है आर से एल से आर की तरफ, थम इज दिस डायरेक्शन, इसीलिए ये डायग्राम बना है। तो दोनों डायग्राम बड़े ध्यान से देखिए, इस वाले को करना चाहते हैं याद रखना चाहते हैं रखिए, अगर नहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है तो आप बुक्स में तो यूजुअली यही दिया होता है कि द करंट इज टेकन इन दी करंट कैरिंग लूप, एग्जाम में ऐसा नहीं देते क्लॉक वाइज है एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो लेकिन ये नहीं कि आपने ड्रॉ कर दिया इसमें क्लॉक वाइज और डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये
तो वो गलत हो जाएगा। ये डायग्राम कौन से वाले के साथ है? व्हेन द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने दोनों डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। आप इसको रफ में ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि जब करंट ऐसे लेना तो ये होगा, ये अदर एक्सप्लेनेशन भी रहने वाली है। इसमें भी जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो कट जाएंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएंगे, और जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग आउटवर्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ दिस, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, और ये वाले में द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इस वाले को आप भूल जाइए, नहीं करना है, कन्फ्यूज हो रहे हो छोड़ दो। लेकिन जो बच्चे मेमोराइज कर सकते हैं तो दे शुड रिमेंबर कि ये ऐसे, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा डायग्राम हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा थियरी वाला पार्ट, अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स में। लेट्स सी व्हाट ऑल न्यूमेरिकल्स वी हैव। वो हो चूड़ी तो थी, मैंने कहीं संभाल के रखी, कहाँ गई? गेटिंग इट, नहीं तो मैं तुम्हें कॉइल वाला जो है दिखा देती, कैसे कॉइल लेना है, वो करंट जा रहा है। चलिए लेट्स सी, कोई बात नहीं, लेट्स डू द न्यूमेरिकल पार्ट। ओह माय गॉड, न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं मेरे पास और टाइम हो गया है, लंबी हो रही है वीडियो। अब पहला न्यूमेरिकल आपका है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर 50 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं 50 हैं। ठीक है, पेन की इंक खत्म हो गई मेरी। एन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी हुई हैं बच्चे? 50 नंबर ऑफ टर्न्स। ईच ऑफ रेडियस, रेडियस भी दिया हुआ है कितना है कॉइल का, रेडियस इज गिवन 0.08 मीटर्स दिया हुआ है। कैरीज अ करंट ऑफ इतना एम्पियर्स, करंट भी दिया हुआ है 0.8 एम्पियर्स। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द, मतलब दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ही आपको निकालना है, बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू μ0/4π2πi/ कितना था रेडियस, आर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन। बस ये फॉर्मूले में डाल दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10^-7 × 2 × 3.14 × करंट कितना है 0.8 × 50 नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय आर है, आर इज 0.08, यहाँ से ये 1, ये हो जाएगा आपका 0.01, सॉरी नॉट 0.01, इट विल बी 0.1, सो 0.1 पॉइंट, एक एक पॉइंट से हट जाएगा, दिस इज 0.1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 5s are 10, 3.14 को ऐसे ही लिख लेती हूँ, इंटू 2 × 50 100 हो गया, × 10^-7 डिवाइडेड बाई ये 0.1 है, मीन्स 10^-1, सो दिस इज 3.14 × 10^-7 +2 +1, सो दिस इज इक्वल टू 3.14 × 10^ कितना हो गया −4 टेस्ला। दिस इज व्हाट वी, अब आपको बोला है अ सर्कल ऑफ कॉइल ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग करंट आई, वॉट इज द डिस्टेंस एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विल ऑफ द एक्सिस विल बी इक्वल टू 1/64 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ये आपको कॉइल दी है, सर्कुलर कॉइल दी है, इसका रेडियस कितना दिया है आर, आपसे बोला है कि आई करंट इसमें है, वॉट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर सेंटर से, ओ इज द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विल बी 1/64 एट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/64 ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, ये बोला हुआ है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन एज व्हाट, फॉर्मूला क्या है हमारा, μ0/4π, दिस इज 2πir² / जनरल फॉर्मूला तो यही है ना, r² + x² raised to the power 3/2, बोला था ना मैंने, पहला फॉर्मूला यही था हमारा। दिस इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स, सेंटर पे कितना आया था μ0/4π 2πi
अपॉन आर, सेंटर वाले फॉर्मूलाज ये थे अगर आपको याद हो, रख दिए मैंने कागज। अभी तो डिराइव किए, इसीलिए फॉर्मूलाज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज सी, ये हमारी म्यू 0.45, ये तो सेंटर पे है और ये निकाला था हमने, ये फॉर्मूला आ गया था 3.5 अवे है, ये जनरल फार्मूला था एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, सेंटर ऑफ द लूप में 2πi/r था, उससे पहले जनरल फार्मूला हमारा निकला था म्यू 0.4π/2πir², ये जनरल फार्मूला है यही फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स सेंटर पे कितना है, तो सेंटर का फॉर्मूला हमारा था म्यू 0.4π/2πir, इसमें याद रखना सेंटर पे वो एंगल कितना 360 का होता है, इसलिए 2πi, अदरवाइज थीटा एंगल के लिए θi/r होता है, याद रखना ठीक है। ओके नाउ लेट्स सी, इसको सॉल्व कर देते हैं, जो जो चीज़ें कट रही काट दीजिए, ये कट जाएगा यहाँ से, 2π कट जाएगा यहाँ से, i यहाँ से, बचा क्या r³ इज इक्वल टू r³ भी और r भी इधर चला जाएगा और 64 भी चला गया, तो ये हो जाएगा 64r³ है ना, इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा r² + x² raised to the power 3/2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट 4r³ इज इक्वल टू r² + x² 1/2³ क्यूब, क्यूब दोनों तरफ हैं हट जाएंगे, दिस विल बी 4r इज इक्वल टू r² + x² raised to the power 1/2। सो अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये 16r² इज इक्वल टू r² + x² दिस विल बी 15r² इज इक्वल टू x² और x इज इक्वल टू √15 × r। सो एट दिस डिस्टेंस √15 टाइम्स r, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 1/64 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इतने डिस्टेंस पे जाकर ये होगा ठीक है। नेक्स्ट, अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 एम्पियर का करंट, ये कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल π/2 एंड द टू स्ट्रेट सेक्शन इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द आर्क। देखो कितना घुमा के दिया, एक वायर है इसमें स्ट्रेट सेक्शंस भी हैं, ये मान लीजिए सीधा हो गया और यहाँ से ये ऐसा आर्क बना रही है, मैंने बोला ये जो दोनों आर्क हैं, ये जो स्ट्रेट सेक्शंस है, द टू स्ट्रेट सेक्शन इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द आर्क, ये दोनों जो जाकर हैं कहाँ मिल रहे हैं, सेंटर पे, दिस इज द सेंटर, ओ आपका सेंटर हो गया, इसमें करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है एंड सेंट्रल एंगल इज 90, दिस इज 90 डिग्री, π/2 दिया 90 डिग्री, स्ट्रेट सेक्शन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट एट द सेंटर ऑफ आर्क, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी एट पॉइंट ओ निकालना है ठीक है। अब ये करंट तो इसमें जा रहा है इस तरह से, अब आप जब देखो अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर जब भी लेते हैं, सो हम उसमें क्या कर देते हैं कि जो dl वेक्टर है, कोई भी पहले हमने न्यूमेरिकल्स किए भी हुए हैं कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है और ये i करंट ले रहा है और इसी के अलोंग दिस पॉइंट p है अलोंग द लेंथ है ना, तो अलोंग द लेंथ तो चाहे डायरेक्शन ऑपोजिट जो भी है, तो इस वाले में जो dl वेक्टर है एंड r वेक्टर है जो इसका डिस्टेंस इसके साथ ले रहे हैं, तो वो दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 डिग्री, तो अलोंग द लाइन अलोंग द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0 ठीक है। सो व्हाट विल डू इज हियर कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिया, अच्छा एक तो रेडियस भी दिया है क्या, 5 सेंटीमीटर रेडियस भी है इसका, तो दैट इज 5 सेंटीमीटर मीन्स 5×10⁻²⁻² meters इसका रेडियस भी दे दिया ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा इसमें कि क्या चीज़ें हैं. तो व्हाट विल राइट इज दैट डीबी जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ना. स्ट्रेट कंडक्टर का जब भी हम निकालते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी है फॉर स्ट्रेट सेक्शन. ये जो पॉइंट है ये अलोंग द लेंथ आ रहा है. पॉइंट ओ इज अलोंग द लेंथ देयरफॉर एंगल थीटा बिटवीन डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू ज़ीरो. जो लंबे ये सेक्शंस हैं इनके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है. अब रहती बात आर्क की है ना. सो हमें पता है कि नाउ फॉर आर्क आर्क के लिए निकालना है. सो फॉर सर्कुलर लूप या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हमने कितना निकालना था. दैट मैग्नेटिक फील्ड वॉज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था बच्चे. दैट वॉज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई हम लिखते थे टू पाई आई अपॉन द रेडियस आर है ना. ऐसे ही लिखते थे. अब इस वाले में कितना हो जाएगा. ये कैसा है 90 डिग्री यानी क्वार्टर वाला है. गिवन आर्क given arc forms a quarter circle hai na. quarter hi uska 90 degree quarter circle. so this will be equal to what. therefore b will be equal to 1/4 of this. b at o will be equal to 1/4 of mu 0 upon 4 pi 2 pi I upon r ka 1/4 ho jayega. So that means it is 2 ones are, 2 twos are. So it will be half into, iski value kitni hai 10 raised to the power minus 7. Current kitna hai 3 amperes. Aur pi bhi hai, 3 into 3.14 bhi hai. Divided by radius kitna hai, 5 into 10 raised to the power minus 2. Isko aap solve kar lijiye, theek hai. Ye value aap kar lenge, jitna aayega utna Tesla. कटिंग जो होती है वो काट लीजिए. ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर. यहाँ पे तो देखो इस 90 डिग्री से पता लग गया था कि ये कैसा है. क्वार्टर सर्कल है क्योंकि 360 डिग्री पूरे सर्कल में बनता है. तो 90 में चौथा हिस्सा इसीलिए 1/4 किया. यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर की बना रहा है. ठीक है. रेडियस की वैल्यू आपको दी हुई है. व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ द आर्क. इस वाले में भी आप क्या कहोगे. जो ये इसमें भी 3 पार्ट्स हैं आपके. ठीक है. सो हियर वायर हैज 3 पार्ट्स. उसमें भी 3 पार्ट्स है. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. ये आपका सेकेंड पार्ट. ये आपका थर्ड पार्ट. ठीक है. फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट आर स्ट्रेट वायर्स और ओ पॉइंट पे आपको निकालना है. एंड पॉइंट ओ इज अलोंग द वायर्स देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पोर्शन will be 0 as theta angle between r vector and dl vector is equal to 0. ये खत्म हो जाएगा. अब बचता कौन है पार्ट 1 एंड 2 करना चाहिए था ना. यहाँ 2 पार्ट 3 कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ. ये कंट्रीब्यूट करेगा.
और ये कैसा है, इट्स अ सेमी सर्कल. वी नो फॉर क्या कहते सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन एज बी इज इक्वल टू कितना बताया था आपको बच्चे, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन द रेडियस होता है. हियर द आर्क इज सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस बी. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई आई अपॉन आर. अब जो जो वैल्यूज हैं आप वो वैल्यूज डाल दीजिए, ठीक है. अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात है तो आप डायरेक्शन की बात के लिए भी देख, इधर पे भी देखो द डायरेक्शन की बात करेंगे. ये मेरी उंगली जो है करंट की डायरेक्शन में जा रही है, मेरी कर्ल्स जो हैं फिंगर्स के, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच के देती हूँ, ये देखिए 3 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा है, मेरी उंगलियाँ कैसे मुड़ रही हैं ऐसे, तो पॉइंट ओ पे वो कहाँ जा रही हैं, इनवर्ड. सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इनवर्ड बाय राइट हैंड पाम रूल, ठीक है. अब इस वाले में देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, मेरी उंगलियाँ ऐसी जा रही हैं, है ना, तो इसमें भी मेरी उंगली अंदर घुस रही है पॉइंट ओ के, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे ये इनवर्ड हो जाएंगी. सो दिस इज़ द वैल्यू वी है, अब आप इसमें वैल्यूज डाल दीजिए. दिस इज ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, 1/2 यहाँ से 2 से 2 तो वैसे ही कट जाएगा, तो ये आ गई 10^-7 इंटू 3.14. करंट कितना दिया है, 12 एम्पियर्स. रेडियस कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर आपको अगर रेडियस दिया हुआ है तो दैट इज़ 2 × 10^-2 meters हो गया. इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2 × 1 = 6 × 3.14 × 10^ कितना हो जाएगा, -7+2. अभी इसको करो तो 6 × 4 = 24, 6 × 1 = 6, 7 × 8 = 6 × 3 = 18, 18.84 × 10^-5 टेस्ला इतना आ गया. डायरेक्शन की बात करनी है तो डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड हमने बता दी, और रीज़न भी देना है बाय राइट हैंड पाम रूल, ठीक है. अब आई वुड द आंसर चेंज इफ द वायर इज बेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वायर को यहाँ को बेंड किया होता, ठीक है, तो यहाँ को बेंड किया तो मेरा अंगूठा ऐसे होना था, डायरेक्शन तो यही आनी थी पॉइंट. अब जब मैं इस राइट हैंड को यहाँ पर इस वाले में देख रही हूँ तो इट्स गोइंग इनवर्ड, तो अब यहाँ पे अगर इसको बेंड इस तरफ को कर देते, वुड द आंसर चेंज इफ़ द वायर इज बेंड इन ऑपोजिट वे, इसको ऑपोजिट वे में कर देते तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज होना, तो ये डेफिनेटली ये पॉइंट क्या हो जाना, तो इधर है दिस इज, अगर ऐसे करंट आ रहा है तो मैं इधर में इट्स कमिंग आउटवर्ड, लेकिन पॉइंट मेरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है. अब इसको उठा के यहाँ पलट दीजिए, ठीक है, तो मेरी उंगलियाँ क्या हो रही हैं, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मेरी उंगलियाँ ऊपर को उठ के आ रही हैं, तो यहाँ पे इफ़ डायरेक्शन इज चेंज, ये वायर इज बेंड ऑपोजिट, इफ वायर इज बेंड इन ऑपोजिट वे मैग्नेटिक फील्ड जो होता आउटवर्ड हो जाता, है ना. इधर से मेरी उंगली मान लो ये तार उठा के इधर को बेंड कर दिया, ऐसे पहले ऊपर को है, ऐसे ना जाके ऐसे कर दिया, करंट तो ऐसे जा रहा है, पॉइंट ये है, तो अंगूठा मेरा ये रहा,
मेरी उंगलियां क्या हो रही हैं, ओ पे बाहर को निकल के आ रही है। इस वाले में क्या हो रहा था, ओ पे अंदर, ओ के अंदर घुस रही है ना, ऐसे घूम के ओ पॉइंट, यहाँ पे ओ से निकल रही है। ये अपने आप हाथ लगा के रख के प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूजिंग रहेगा। अब क्वेश्चन 5, अब देखिए डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बड़ा हो गया लेक्चर तुम्हारा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द करंट आई थ्रू द सर्किट, ये दिया हुआ है, सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन है ये सर्किट है, आपको यहाँ पे पॉइंट पे निकालना है। तो ये क्या, ये आर्क बना रहे हैं ना, द आर्क आर मेकिंग। सो जो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू, इसको नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए ये ए बी, ये सी और ये डी है। सो ड्यू टू ए डी देखते हैं कितना है ना, ए डी। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी जो होगा, ये आर की है, ठीक है ना, सो इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा। तो अब इसमें डायरेक्शन क्या हो रही है, करंट की ये है, अगर डायरेक्शन ये है करंट की, तो ओ पॉइंट पे मेरी उंगलियां कहाँ निकल के आएंगी, बाहर की तरफ को आएंगी। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई आई थीटा अपॉन आर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। और कितना रेडियस पे, ये आर वन रेडियस पे, और कैसे आ रहा है, आउटवर्ड एज राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी देखते हैं, बी सी में करंट इस तरफ को जा रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरी उंगलियां ओ पॉइंट पे क्या हो रही हैं, ओ पॉइंट अगर इस तरफ, अगर इस तार के इधर होता हो तो मेरी उंगलियां निकलती, लेकिन मेरा करंट इधर जा रहा है और मेरा ओ पॉइंट कहाँ है, इस तरफ का है, तो ओ पॉइंट पे जाके मेरी उंगलियां अंदर घुस रही हैं, तो इनवर्ड हो जाएगा। जैसे ये वाला केस था, इसमें करंट कैसा है, ऐसे जा रहा है, तो मेरी इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो मेरी इधर उंगलियां अंदर जा रही हैं, लेकिन ओ पर वो बाहर निकलेंगी, इसलिए लिखा था आउटवर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्ड। दिस विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई आई थीटा अपॉन आर टू, ये हो जाएगा इनवर्ड एज पर दिस रूल। सो मैग्नेटिक फील्ड एट जीरो विल बी इक्वल टू बी ए डी माइनस बी बी सी के कारण जो है, दिस विल बी इक्वल टू, दोनों के पास म्यू ज़ीरो फोर पाई है, आई भी है, थीटा भी है, बचा क्या, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, खत्म, वेरी सिंपल। अब ये वाला है, इसमें देखो सीधा वाला हिस्सा भी, अच्छा इसमें भी सीधे हिस्से थे, ये भी थे और एक ये सीधा है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कर्व्ड पार्ट ए डी, और ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू कर्व्ड पार्ट, कौन सा वाला, बी सी, ठीक है। जो स्ट्रेट वाले पार्ट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट ए बी एंड सी डी, है ना, ये सीधे सीधे हिस्से, इज ज़ीरो बिकॉज पॉइंट ओ जो है इज अलोंग दी लेंथ ए बी एंड सी डी, इसके अलोंग ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वाले के साथ तो ज़ीरो हो जाना है, जो एंगल अलोंग द कंडक्टर इज ऑलवेज, हमेशा याद रखना है, अलोंग द कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी ज़ीरो कर्व्ड वाले हिस्से में। अब इसमें देखिए, इधर पे भी ये कर्व्ड हिस्सा है, ये स्ट्रेट हिस्सा है, फिर ये कर्व्ड हिस्सा है, फिर ये स्ट्रेट, तो जितने भी स्ट्रेट हिस्से हैं उसी की लेंथ पे पॉइंट आ रहा है, इसके भी स्ट्रेट हिस्से में सिर्फ उसी की आ रहा है। तो आप यहाँ ये होमवर्क में आप क्या लिखोगे कि जो स्ट्रेट लेंथ है कौन कौन सी, बी सी डी ई और एफ ओ, इन ये सभी स्ट्रेट जो लेंथ्स हैं उसके कारण जो मैग्नेट उस उनके लिए जो पॉइंट ओ है अलोंग देयर लेंथ आ रहा है, सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो हियर। और रही बात कर्व्ड वालों की, तो कर्व्ड वालों में तो आप बोलोगे ये इसके कारण कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो पॉइंट फोर पाई आई थीटा की जगह अल्फा एंगल लोगे, और ये रेडियस कितना हो जाएगा, थ्री आर,
ठीक है, अब डायरेक्शन आपने देखनी है, अब आपका ये जा रहा है इस तरफ को करंट, तो मेरी उंगलियां ओ पे क्या हो रही है, नीचे डाउनवर्ड, तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इस वाले में जा रहा है मेरा ऐसे, तो यहाँ इधर जा रहा है नीचे, तो जब ये घूम के आएगा तो ये आउटवर्ड, इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, फिर इसके वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो आपको उसके हिसाब से ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपका ये जो आंसर आना चाहिए, इधर आंसर आना चाहिए आपका इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन सिक्स म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अल्फा अपॉन आर। ठीक है, पहले तो आप लिखोगे स्ट्रेट वाले लेंथ के जो हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट पार्ट्स कौन कौन से, बी सी डी ई एंड एफ ओ इज जीरो बिकॉज द पॉइंट ओ इज अलोंग दीज लेंथ, इस लेंथ के अलोंग आ गया, इस लेंथ के भी अलोंग आ गया, इस लेंथ के भी अलोंग आ रहा है, सो इट इज अलोंग द लेंथ, सो देयर कंट्रीब्यूशन इज जीरो। फिर रही बात आर की, तो इनके फॉर्मूलाज आप डालोगे, एंगल वही लोगे, रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका 3R है, इसका 2R है, इसका R है, अलग अलग आएगी, और डायरेक्शन के हिसाब से इनकी ये वाली जो फील्ड है वो कैसी हो जाएगी, फिर से मैं बता देती हूँ, थंब से आप डायरेक्शन रखिए। अब O पॉइंट पे जाके मेरी उंगलियां क्या है, अंदर घुस रही हैं, ये वाला क्या हो जाएगा इनवर्ड। इस वाले में देखिए जब करंट ऐसे जा रहा है तो मेरा यहाँ इनवर्ड है लेकिन पॉइंट तो इधर है, तो ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड, ये आउटवर्ड होगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा इनवर्ड, तो यानी ये आपके इनवर्ड वाले को आप नेगेटिव ले लो, ये आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वैल्यूज निकालोगे आपकी आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, मैं पहले बता चुकी हूँ। विद दिस द चैप्टर इज ओवर, सॉरी दिस लेक्चर इज ओवर, कीप रिवाइजिंग एंड कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शंस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।